ज्ञान परमार्थ में आप सभी का स्वागत है। शुक्रवार का दिन धन की देवी माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना का दिन माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी माता सदैव आपके घर में निवास करती रहें तो शुक्रवार के दिन यह उपाय जरूर एक बार आप आजमा करके देखें। इन उपायों से भरपूर लाभ लेने के लिए इतना ध्यान रखें कि जब आप यह उपाय कर रहे हों तब आपको कोई रोके टोके ना। उपाय बताने से पहले आपसे विनम्र प्रार्थना कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए, उपाय आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा, अपने इष्ट मित्रों रिश्तेदारों के पास भी पहुँचाइएगा। आइए अब बात करते हैं उन उपायों को जो आपको करना है। धन प्राप्ति के लिए शुक्रवार के दिन रात में घर के पूजा स्थान पर, यदि पूजा स्थान नहीं है, आप यहाँ कोई मंदिर नहीं बनाए हैं, तो किसी पवित्र स्थान पर जा करके गाय के घी से सात मुख वाला दीपक जलाएं, माता लक्ष्मी जी के तस्वीर पर या मूर्ति पर यदि आप मोगरे का इत्र अर्पित करते हैं तो इससे भी माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। यदि आप माता लक्ष्मी जी के ऊपर गुलाब का इत्र चढ़ाते हैं तो आपको रति और काम सुख की प्राप्ति मिलेगी। माता लक्ष्मी जी को केवड़े का इत्र अर्पित करते हैं तो इसको आपको मानसिक शांति मिलेगी, घर में सुख समृद्धि रहेगी। माता लक्ष्मी जी को यदि आप चंदन का इत्र चढ़ाते हैं तो इससे आपके भाग्य खुल जाएंगे, आपके घर में धन धान की वृद्धि होगी। धन के साथ आप अपना दाम्पत्य जीवन यदि सुखमय बनाना चाहते हैं तो आप माता लक्ष्मी जी के मंदिर में जा करके 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। प्रतिदिन घर से चंदन का इत्र लगाकर निकलने से कार्य और व्यवसाय में उन्नति दोगुना ज़्यादा होने की स्थिति बनने लगती है। प्रति शुक्रवार को गाय को ताजी रोटी में गुड़ मिलाकर खिलाने से माँ भगवती माता लक्ष्मी की कृपा पूरे परिवार पर जीवन भर बनी रहती है। शुक्रवार के दिन रात में सात छोटे आकार के नारियल लेकर उनको एक पीले कपड़े में बांधकर घर की रसोई के पूर्व दिशा वाले कोने में बांध दें। ऐसा करने से घर में कभी भी ना अन्न की ना धन की कमी होगी, अगर आप ऐसा करते हैं तो। शुक्रवार की रात में गाय के घी का ज्योत जला करके आप यहाँ माँ भगवती लक्ष्मी का मंत्र का जाप करते हैं तो इससे भी माँ हमेशा आपके साथ रहेंगे। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। अगर यदि आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो भी माँ भगवती आपके साथ हमेशा आपके घर में रहेंगे। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, उन उपायों को आप करके देखिए, इससे अवश्य ही आपके जीवन में बदलाव होगा। इस वीडियो में इतना ही। पुनः मैं प्रार्थना करूँगा कि यदि आप अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह उपाय आपको पसंद आए, इससे आपको कुछ लाभ समझ में आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। फिर मिलेंगे अगले उपाय के साथ, तब तक के लिए जय सियाराम।